Hello everyone, I am Umair Afzal and you are watching Student Hub HD. इस लेक्चर में मैं आपको C++ की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और उसका इंट्रोडक्शन भी दूंगा। C++ को 1979 में बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया था। C++ से पहले हमारे पास सिम्यूला एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसके अंदर हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट था। सी लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट, एफिशिएंट और क्लोज टू हार्डवेयर थी। सो C++ को इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के डेवलप किया गया था। C++ को शुरू में सी विद क्लासेस का नाम दिया गया था, इस बाद में इस नाम को चेंज करके C++ रख दिया गया था। C++ को ऑफिशियली 1985 में रिलीज़ किया गया था। C++ एक सी स्टाइल लैंग्वेज है, दैट मीन्स के ये सी के सिंटेक्स को फॉलो करती है। C++ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको बहुत सारे वेज से प्रोग्रामिंग करना अलाउ करती है, मसलन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। अब हमने ये तो देख लिया कि C++ की हिस्ट्री क्या है, अब हम देखते हैं कि C++ किस लिए यूज़ होती है। C++ कंप्यूटर गेम्स बनाने में इस्तेमाल होती है, इससे यूटिलिटीज़ बनाई जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कर्नल लिखे जाते हैं और कंपाइलर्स भी बनाए जाते हैं। अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जो कि पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं और सी या C++ में लिखी गई हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, मोज़िला फायरफॉक्स और विंडोज़ के तमाम वर्जन्स शामिल हैं। C++ के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक कंपाइलर या IDE की ज़रूरत है। IDE को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे C++ के या किसी भी लैंग्वेज के रिटर्न कोड को कंप्यूटर की ज़ुबान में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स को समझता है, तो कंपाइलर उनको हमारे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। हमारे पास C++ के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। सबसे पहले C++98 जो कि पॉपुलर हुई, उसके बाद हमारे पास C++03। C++03 एक्चुअली में एक बग फिक्स था, तो इसको ज़्यादातर C++98 के साथ ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास C++ टेक्निकल रिलीज़ 1 आई, इसमें बहुत सारी न्यू लाइब्रेरीज़ को जो है वो ऐड किया गया था। अभी हमारे पास रिसेंट वर्जन C++11 है जो कि अगस्त 2011 में रिलीज़ की गई। इसमें बहुत सारी न्यू फंक्शनैलिटीज़ और लाइब्रेरीज़ को ऐड किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल।